कांग्रेस में जाने से कोई विशेष परिस्थिति नहीं रहेगी। एक अच्छे आदमी थे, अच्छे वक्ता थे, परिवार उनको हर तरह से सम्मान दे रहा था, उनका मान सम्मान बढ़ा रहा था। इनने जो इनके पूर्वजों ने करा वो इनने दोहरा दिया। क्या पूर्वजों ने क्या किया था? पूर्वजों ने उस जमाने झांसी वाली रानी के साथ धोखा दिया, अंग्रेजों के साथ मिलकर धोखे दिए, राजमाता ने डीपी मिश्रा को धोखा दिया और माधवराव सिंधिया ने एक पार्टी अलग से बना ली थी, मात्र दो जने जीते थे उसमें, और उसी परंपरा को ने निभा लिया कि कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चले गए। इससे आम कार्यकर्ताओं को बड़ा धक्का लगा, ये कौन सा काम किया, पूरी पार्टी इनको सम्मान दे, इनको पद दिए जा रहे थे, डीपी सी मिश्र का इनको ऑफर दिया गया था, प्रदेश कांग्रेस का ऑफर दिया गया था, राज्यसभा में जरूर इनके लिए विचार चल रहा था, और ये केल में हाईकमान जो हमारा है सोनिया गांधी राहुल गांधी वगैरह ये इस पर विचार करते। राहुल गांधी तो खुद ही इनके दोस्त थे, अच्छे संबंध थे इनके, पारिवारिक संबंध थे, फिर ऐसा बसकाना निर्णय क्यों लिया? बीजेपी में जाने के बाद इनकी क्या दुर्गति होगी, ये मन के लंबे चौड़े सपने देख लें, पर बीजेपी वाले इतने हजम नहीं करेंगे इनको। अभी देख लो प्रभात झा ने इस्तीफा दे दिया कि वो राजघराने से बहुत सख्त नाराज थे, जो इनका पुराना इतिहास दोहराते थे, क्या मनोज क्या तोमर साहब इनको हजम करेंगे या बीजेपी के और लोग हजम करेंगे क्या? इनके साथ देखो कैसा, यहाँ यदा शर्मा भी भूतपूर्व स्पीकर गए थे और बीजेपी ने कैसा उनको दूध की मक्खी जैसे बाहर कर दिया था, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। मेरा ख्याल है अभी मतलब कि जो मंत्री बना देंगे, तो ये इस प्रकार किसी अपनी मात्र को जिसको कहते थे कांग्रेस मेरी मात्र है उसको धोखा दे के ये क्या चेहरा दिखाएंगे जनता? क्या सत्ता में आना चाहते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसलिए नहीं किया ऐसा? सत्ता में तो आने का जो षड्यंत्र किया गया है सत्ता में आने का ही है, और वो चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। तुलसी सिलावट जैसे नेता इंदौर के जो पुराने नेता हैं, इनके जाने से क्या फर्क पड़ेगा कि बड़ी संख्या में समर्थक उनके कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ने के लिए हम तैयार हैं? वो कांग्रेस पार्टी में थे कि ज्योतिरादित्य की पार्टी में थे? यदि कांग्रेस के निष्ठावान ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में उन्हें चुनाव लड़ा, उन्हें पार्टी के साथ रहे, व्यक्तिगत ठीक है सिंधिया जी के संबंध हो सकते हैं, तुलसी राम व्यक्तिगत उनसे अच्छा व्यवहार रखें, पर जहाँ से पार्टी के संबंध आता है उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उनके साथ अब वो खुद ही उनको निर्णय लेना चाहिए कि हम एक अपनी मातृ संस्था के साथ धोखा दे रहे हैं, वो थोड़े से स्वार्थ के लिए अपनी पार्टी को छोड़ के दिगर पार्टी में जा रहे हैं, और जिस प्रकार भूतपूर्व अध्यक्ष यदा शर्मा और दूसरे लोगों की दुर्गति हुई है, जनता इनको माफ नहीं करेगी। जब चुनाव लड़ेंगे तो जनता इसे हिसाब पूछेगी कि जी जिस ढंग से इनकी सत्ता में रहने की जो भावना रहती है तो ये राज कर रहे हैं, आज भी बिगड़ राज करे चैन नहीं पड़ रही इनको, ये सत्ता में चाहिए। अब जनता इनको सबक सिखाएगी कि ढंग का, अभी लोकसभा में बड़े लोकप्रिय होते हैं तो निकल जाते, कई लोग जीते, पर कोई ना कोई कमी होगी जब भी चुनाव हारे, तो जनता अन्य लोगों को भी सबक सिखाएगी यदि ऐसे धोखा देंगे वो अपने पार्टी से गद्दारी करेंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है।